बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10th क्लास, मुजम्मिल रौफान हेयर। एज यू नो वी आर डिस्कसिंग यूनिट नंबर 12, दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। द वेरी लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड एग्जाम्पल्स 12.1 एंड 12.2, रिलेट कर रही है उससे न्यूमेरिकल्स 12.1 एंड 12.2। आज हमने वो डिस्कस करने हैं कि क्या कह रहा है हमें और हमने क्या बताना है। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। अब ये चीज़ कल भी हमने देखी थी कि मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स मिरर, एक होता है कनकेव मिरर। दोनों की वर्किंग डिफरेंट होती है। कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब ये है कि वो जो इमेज फॉर्म कर रहा होता है वो बिहाइंड द मिरर होती है। इमेज जो फॉर्म हो रही होती है वो बिहाइंड द मिरर होती है, जिसकी बिना पर जो हमारे पास क्यू है यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज वो भी नेगेटिव और जो फोकल लेंथ होती है वो भी नेगेटिव, लेकिन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। इसलिए यहाँ पर उसने क्लियर भी किया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कोई ऑब्जेक्ट जब फ्रंट ऑफ द मिरर पड़ा हुआ है तो उसके हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मिरर से पीछे वो 5 सेंटीमीटर की इमेज फॉर्म कर रहा होता है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। यानी डेटा जो गिवन है हमारे पास उसमें क्लियर हो रहा है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमें बताया जा रहा है, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, एक कन्वेक्स मिरर के सामने पड़ा हुआ है, फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मिरर से पीछे जो इमेज बना रहा है वो 5 सेंटीमीटर की है। यानी हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, क्योंकि जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो बिहाइंड द मिरर है, इसलिए वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी -5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो टू फाइंड का आप लोग यहां पर हेडिंग देंगे, यहां पर लिखेंगे फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला है हमारे पास भी उसका, 1/F = 1/P + 1/Q। आगे है कैलकुलेशन भाई, वी नो दैट 1/F = 1/P + 1/Q। अब हमारे पास जो कैलकुलेशन आ गई उसकी, अब यहाँ पर हमने उसकी वैल्यूज पुट करनी है कि 1/F जो फोकल लेंथ है ये तो हम लोगों ने फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पर टू फाइंड में F जो है वो फाइंड करना है, = 1/P है। 1 वैसे का वैसे, P की वैल्यू 10 है, उसकी यहाँ पर 10 आ गया, +1/Q है, 1/Q यानी Q की वैल्यू माइनस के अंदर है, इसलिए इसे हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे, -1/5। तो 1/F वैसे का वैसे 1/10, माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 1/5, 10 × 5 ये हमारे पास उसका एलसीएम ले लेते हैं अभी, 10 से 10 कैंसिल, 5 रह गया, आगे माइनस का साइन है, माइनस साइन लगाया, 5 से 5 कैंसिल, 10 रह गया, तो उसकी जगह पर 10 आ गया अभी। तो 1/F हमारे पास 5 की जो वैल्यू है प्लस की है, माइनस की जो है वो 10 की है, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए साइन माइनस का आएगा, 10 में से 5 को माइनस करते हैं तो 5 रह जाता है, 10 × 5 = 50 हो जाता है अभी। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1/10 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो F = -F = 10 सेंटीमीटर। अगर इस माइनस को साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास F = -10 सेंटीमीटर, ये उसकी फोकल लेंथ आ रही है, क्योंकि हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डाइवर्जिंग मिरर के अंदर फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है और जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है वो भी नेगेटिव होती है, क्योंकि इमेज यहाँ पर उसने क्लियर किया है कि बिहाइंड द मिरर फॉर्म्ड हो रही थी। जब बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म्ड होती है तो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड हो रही होती है, जिसकी बिना पर जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इमेज डिस्टेंस यानी क्यू जो है वो भी नेगेटिव हो जाता है, उसी लिहाज से फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली नेगेटिव है भी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है भी, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, वहाँ पर कन्वेक्स मिरर था, यहाँ पर कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर होता है अभी। कन्वर्जिंग मिरर हमारे पास क्या होता है अभी, जो कि दोनों तरह की इमेज फॉर्म करता है, रियल भी करते हैं और वर्चुअल भी कर रहा होता है अभी। इसके अंदर डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है, अगर रियल है तो उसमें अंदर तीनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, यानी एफ है, क्यू है, पी है, ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। अगर वर्चुअल है तो हमारे पास क्या होता है अभी, पी
और जो एफ है हमारे पास यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ, ये तो पॉजिटिव होती है, लेकिन जो हमारे पास इमेज डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ये डिपेंड कर रहा होता है इमेज की फॉर्मेशन के ऊपर, यानी वो रियल है या वर्चुअल है अभी। अब यूँ कि हमारे पास कनकेव मिरर जो होता है ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, इसके देखते हैं कि आगे इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है या बिहाइंड द मिरर जो क्लियर होगी। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, एक ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है फ्रॉम कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पर बनेगी, हाउ हाई इज इट, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन भी इसके अंदर पूछ रहा है अभी। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। तो बहरहाल एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बता रहा है अभी, एच ओ ए से हाइट है, उसे ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 30 सेंटीमीटर इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, ठीक हो गया। अभी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बता रहा है अभी, जो पड़ा हुआ है मिरर से, पी इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है विद अ फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्योंकि हमारे पास कनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, तो फोकल लेंथ उसकी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आएगी 16 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है वेयर द इमेज इज लोकेटेड, इमेज कहाँ पर बनेगी, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो हमने फाइंड करनी है। पहली चीज डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास है, हाउ हाई इज इट, उसकी हाइट कितनी होगी, यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वो भी हम लोगों ने बतानी है कि उसकी हाइट कितनी होगी। एच आई ए से हाइट है, आई से हमारे पास इमेज है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास फार्मूला है उसका भी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करने का फार्मूला वही 1/f = 1/p + 1/q, जो मिरर फार्मूला वही लगाएंगे। आगे हमारे पास मैग्नीफिकेशन है, उसकी जो हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, मैग्नीफिकेशन में वो क्या होता है, एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी के भी, ये हमारे पास उसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है। आगे उसकी कैलकुलेशन है, वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/p + 1/q है हमारे पास भी। अब यहाँ पर देखते हैं अभी कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है, कौन सी गिवन है। 1/f फोकल लेंथ गिवन है, 1/16 आ गया, 1/p हमारे पास गिवन है 10.5 है, वैसे का वैसे आ गया, प्लस 1/q जो है वो फाइंड करना है। ये प्लस की वैल्यू इधर रखें माइनस हो जाएगी, यानी 1/16 माइनस 1/10.5 इज इक्वल टू 1/q के एलसीएम लेते हैं, 16 इंटू 10.5 एलसीएम आ गया इज इक्वल टू 1/q, वैसे का वैसे 16 से 16 कैंसिल, 10.5 रह गया, अभी माइनस का साइन आएगा, अभी 10.5 से 10.5 कैंसिल, 16 रह गया, उसकी जगह पर 16 ले लेते हैं अभी। अब 16 ग्रेटर फिग हमारे पास है, 10.5 ये लोअर है, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो माइनस का साइन लगाएंगे, 16 में से 10.5 जो है उसे माइनस करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है अभी। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 16 × 10.5 दैट इज इक्वल टू 168 इज इक्वल टू 1/q के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 5.5 q, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 168, तो 168 ही रह जाएगा। q फाइंड करना है, ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाएगी, माइनस का साइन भी इधर आ गया, 5.5, तो q इज इक्वल टू, इसे हम डिवाइड करते हैं 5.5 के ऊपर, दैट इज इक्वल टू −30.54 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज फॉर्म नहीं हो रही। नेगेटिविटी का साइन जाहिर कर रहा है कि ये हमारे पास वर्चुअल इमेज ही फॉर्म हो रही है। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है उसकी मैग्नीफिकेशन है, वो देखते हैं अभी, मैग्नीफिकेशन किसकी इक्वल आती है। तो उसका फार्मूला हमारे पास जो बी है, उसका फार्मूला हमारे पास है एच आई ओवर एच ओ, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब चूंकि हमने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, क्यू हम अभी हमने निकाला है 30.54, क्यू की वैल्यू -30.54 सेंटीमीटर अभी हमने निकाली है। अभी अब जब मैग्नीफिकेशन चल रही होती है, मैग्नीफिकेशन के अंदर नेगेटिव का साइन जो है उसे हम इग्नोर कर देते हैं फॉर मैग्नीफिकेशन। तो यहां पर आप लिखेंगे फॉर मैग्नीफिकेशन, या पहले हाइट ऑफ इमेज चूंकि हमने फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 30, उसे वैसे लिखेंगे। क्यू की वैल्यू है -30.54 है तो उसे 30.54 ही लेंगे। ओवर हमारे पास पी है वो 10.5 है, उसकी जगह पर 10.5 आ गया। तो यहां पर आप लिखेंगे एज अ हिंट फॉर मैग्नीफिकेशन, नेगेटिव साइन विल बी इग्नोर्ड। उसके बाद अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज तो हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या आ गया, 10.5 हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 30.54, और 30 जो आपस में मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 10.5 हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, इनको आप मल्टीप्लाई करें 30.54 मल्टीप्लाइड बाई 30, वो हमारे पास आंसर आ रहा है 916.2। अब 10.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है तो इसको यहाँ से इलेमिनेट करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास डिवाइड हो गया अभी। तो हाइट ऑफ इमेज देखते हैं किसकी इक्वल आ रहा है अभी, 87.25 सेंटीमीटर, ये हमारे पास उसकी हाइट ऑफ इमेज जो है वो फॉर्म्ड हो जाती है अभी। तो ये आप लोगों के अहम न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे तरीके से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।